Trisla Foundation, respected parents, और सबसे इम्पोर्टेंट लवली चिल्ड्रन. मैं डॉक्टर तेज सिंह, मैं बेसिकली एक न्यूरोनेटोलॉजिस्ट हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ और मैं जौनपुर में प्रैक्टिस करता हूँ. जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है जो सुबह से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द सीपी, मैं बताऊँ बिकॉज आई एम वर्किंग इन आईसीयू, मैं आईसीयू इंचार्ज हूँ एनआईसीयू का और वी आर सेविंग मैनी बेबीज, लाइफ ऑफ मैनी बेबीज. लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आज के सिनेरियो में बाई सेविंग लाइफ इज नथिंग. मतलब क्या हुआ इसका कि अगर आप किसी बच्चे को बचाते हो तो दैट मीन्स यू आर डूइंग हाफ जॉब, डॉक्टर इज डूइंग हाफ जॉब. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कैसे उस बच्चे की क्वालिटी विल इम्प्रूव, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. दैट मीन्स कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को आपको देखना होगा. बहुत बार छोटे बच्चे आते हैं, प्री मैच्योर बेबीज हम लोग के आते हैं और सो मैनी कॉजेज दे आर स्टेइंग इन आईसीयू फॉर 10, 15, 20 डेज. उसके बाद अगर वो प्रॉपर फॉलोअप नहीं करते तो ऑल्दो वी आर सेविंग द लाइफ, मैं बच्चे की जान तो बचा दिया, बट अगर आप प्रॉपर इंटरवीन नहीं करोगे, टाइमली इंटरवेंशन नहीं करोगे, तो दीज बेबीज आर एट हाई रिस्क ऑफ दीज एबिलिटीज, दीज मेंटल एबिलिटीज, वॉट यू कॉल सीपी, सेरेब्रल पैल्सी. और वेन द बेबी और चाइल्ड इज कमिंग टू योर क्लिनिक और हॉस्पिटल आफ्टर 3-4 मंथ्स कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, डॉक्टर साहब यू हैव डन एक्सलेंट जॉब इनिशियली, मतलब आपने बच्चे की लाइफ तो बचा दिया, बट नाउ ही इज नॉट वर्किंग, मतलब रिस्पॉन्डिंग, तो इट्स वेरी पेनफुल. और फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 10-12 ईयर्स आई एम डूइंग माई वर्क इन NICU, स्पेशली इंटेंसिव केयर, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट. तो डॉक्टर जैन से मेरा टच था ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बैक एंड फ्रॉम माई हार्ट आई यूज टू थैंक टू डॉक्टर जैन बिकॉज इस कैटेगरी का डॉक्टर जैन इज हियर फॉर नॉट ओनली फॉर दिस पूर्वांचल, इट्स फॉर ऑल दिस यूपी एज वेल एज द नियर बाई स्टेट्स ऑल्सो. तो उनकी उनकी मदद से आई थिंक हमने कम से कम हंड्रेड्स ऑफ बेबीज को बचाया बचाया इन द सेंस कि नाउ दे कैन डू देयर रूटीन, दे आर गुड इन देयर स्कूल एक्टिविटीज, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग. तो आज के सिनेरियो में सिर्फ लाइफ सेविंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एज ए पीडियाट्रिशियन लाइफ सेविंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करना होगा. और मेरा जो टॉक डॉक्टर साहब ने दिया कि ऑल्दो आई हैव मेंशन कि मैनेजमेंट ऑफ सीपी इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, हमने आज मॉर्निंग के सेशन से मैं यहाँ पे हूँ, मैनी थिंग्स हैव बीन कवर्ड बाय डॉक्टर जैन. फिर डॉक्टर सोनकर वॉज देयर कि कैसे बच्चे को दौरा आता तो कैसे यू कैन साल्वेज, यू कैन प्रिवेंट दैट, डॉक्टर सोनकर ने बताया. फिर अवर दिस डेंटिस्ट्री पर्सन, उन्होंने पूरा बताया डेंटल के बारे में अच्छे से. और द एक्सलेंट जॉब वॉज डॉक्टर कादिर, आई वॉज सरप्राइज्ड, डॉक्टर कादिर का जो प्रेजेंटेशन था दैट वॉज सरप्राइज मी. आई थिंक दीज स्मॉल थिंग्स वॉट ही हैज मेंशनड दैट वॉज रियली सरप्राइजिंग, बिकॉज इन रूटीन ओपीडीज जब हम पेशेंट देखते हैं वी डोंट हैव सो मच टाइम, वी नेवर डिस्कस दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स. वी यूज टू से गो फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन, लाइक go to the physiotherapist, go to the this higher referral center like Trisla Foundation and just take the expert opinion, aap wahan pe achhi rai lijiye. But these are very small things. I think the small things what Dr. Kadir has summarized you or told you, that was excellent work. Aur bina kisi lecture ke it's very सिंपल टू जस्ट कम्युनिकेट विथ यू ऑल. एनीबडी नोस, कोई जानता है इनको, हु इज शी? शी इज बेसिकली अबेक्रॉन. आई थिंक इट्स अ वेरी हेडलाइंस इन 2008 टाइम्स ऑफ इंडिया. शी इज मिस USA. कैन यू बिलीव? शी इज हैंडीकैप्ड, शी इज टोटली हैंडीकैप्ड, बट शी वन द मिस USA टाइटल इन द 2008 इन द USA. ऐसा नहीं है कि ये एक एग्जाम्पल है,
Mine is having almost 100 of examples. जो बच्चे CP के रहे हैं, the persons who are from starting GMCS, that is जो डॉक्टर जैन ने बताया, summarized किया, कि वो व्हीलचेयर पे हैं. Can you believe व्हीलचेयर वाला person is doing excellent job? Just see the next example. Who is she? Divya Arora. I think जो लोगों ने गुजारिश फिल्म देखी होगी, everybody knows. Divya Arora, she is wheelchair person. But just see the inner thought. उसकी अपनी the self-belief जब देखो. And the support from the parents, family members, this social environment, that was excellent. गुजारिश फिल्म अगर किसने देखा तो रितिक को she trained. Can you believe? Quadriplegic Ritik was there in the Gujarish film and she trained Ritik Roshan. Or now she is doing in many of the films, she is producer at present. So these have created the milestones. So these are very important things to learn for us also. Ki these childs can do anything. These jo bachche hamare hain ye kuch bhi kar sakte hain. Next is, now the news has come, Goa student CP, severe CP, that was severe CP, and usne kareeb almost, she scored 83% marks. So that was not from that, us baby se, bachche se nahi aaya. That was the total support from this, the treating doctor, so pediatrician, bachcha ka doctor, wo bachcha khud, parents, family members, and the social surrounding, that is very important. Main aapse bet laga sakta hun ki if you do only physiotherapy, the child is not going to improve. He or she needs this interaction, more of emotional touch. Matlab aapko judna padega. Judna in the sense, it's not only the hanky panky type of judna. No, you have to attach with all the emotions. And as a parent, and everybody is attached. There is no doubt about it. Lekin agar thodi choti cheezon ko jo subah se Dr. Kadir, Dr. Jain and everybody has jo sabhi ne bataya, that was excellent. Agar aap judte ho both emotionally and you create a good atmosphere, yahi bacche jo aap baithe dekh rahe ho, they are going to give a good job in their life. They will live a very good quality of life. और ये जो चीजें हैं, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट ये मैटर करती हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट इशू की कभी कभी हम आईसीयू में काम करते हैं तो बेबी इज कमिंग 1 month, two months, तो पूछता है बच्चे को, भाई कब हम डॉक्टर साहब कब फिजियोथेरेपी शुरू कराएं? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. अभी तो किसी का बच्चा 3-4 महीने का है, मे बी नहीं होगा, बट अब कहते क्या है कि आप तब शुरू कर दो जब जितना पहले तुम कर सकते हो, मतलब एज अर्ली इज 2.5 or 3 months. 2.5 से 3 महीने के बच्चे में यू कैन स्टार्ट. और ये डिक्टम है, जितना जल्दी आप शुरू करते हो उतना अच्छा बच्चा रिस्पॉन्ड करेगा. दैट मींस जितने जल्दी से आप उसको स्टिमुलस देते हो, द बेबी द चाइल्ड इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड ड्रामेटिकली. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अर्ली इंटरवेंशन करें, टेक ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग लाइक सोशल, फैमिली, एजुकेशनल. और एक छोटी सी चीज और, इट्स अ सीपी इज नॉट ए डिजीज ऑफ ब्रेन, मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू कट डाउन योर आईक्यू, डॉक्टर जैन ने बताया, बिकॉज सीपी जो है बेसिकली हमारे मोटर फंक्शन को उसको डिस्ट्रॉय करता है, वो ब्रेन का बहुत छोटे से पार्ट को डिस्ट्रॉय करता है. चूंकि जो इंसल्ट होता है, जो शुरू में इंजरी से ये चीजें होती हैं, वो ब्रेन के और भाग को प्रभावित करती हैं, इसलिए थोड़ा बच्चा मेंटल रिटार्डेशन होता है. बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ सीपी, वो सीपी से नहीं हो रहा है. That is because of ये और भी जो ब्रेन में चोट लगी है, जो इंजरी हुई है, उससे होता है. नेक्स्ट इज, अगर आप देखो कि सीपी का परसेंटेज कितना है, ऑलमोस्ट 2 to 3 1000 बच्चों में देर इज चांसेज ऑफ सेरेब्रल पैल्सी. और जो बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं, समय से बहुत पहले हो गए, 7 months पे, आजकल हम लोग बच्चे एक ऑलमोस्ट 700-800 ग्राम का बच्चा हम लोग बचा लेते हैं, तो उनमें चांसेस सीपी के बढ़ जाते हैं ऑलमोस्ट 3-4 times. इटियोलॉजी मैं डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज दैट इज नॉट माय टॉपिक. एवरीबॉडी नोज कि जो मेन फैक्टर होता है, बिकॉज जब बच्चा पैदा होकर नहीं रोता, लेकिन ऐसा नहीं है. पेट के अंदर से कई फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण बच्चे को
बच्चे के ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, दैट्स व्हाई ही और शी डेवलप्स सेरेब्रल पल्सी. देयर आर ए नंबर ऑफ दिस फैक्टर. जो क्लासिफिकेशन, जैसे डॉक्टर जैन ने बताया कि देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन, आई थिंक आपको उसके डिटेल में नहीं जाना है. द ओनली थिंग यू यूज टू नो, क्या जानना है आपको, कि मेजॉरिटी आर हैविंग दिस स्पास्टिक टाइप ऑफ सीपी. मेजॉरिटी आर हैविंग दिस स्पास्टिक टाइप ऑफ सीपी. ये डिफरेंट डिफरेंट जोन से एवरीबडी. हेमिप्लेजिया क्या होता है, हमारी आधी पार्ट इज नॉट वर्किंग, आधा पार्ट. पैराप्लेजिया, बोथ लेग्स आर नॉट वर्किंग, दोनों पैर मेरे काम नहीं कर रहे. क्वाड्री, चारों मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं. तो दीज आर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू. इट इज मोस्ट, मैंने जैसे बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे कॉमन टाइप इज सीपी. स्पास्टिक टाइप ऑफ सीपी इज मोस्ट कॉमन, इट्स ऑलमोस्ट 70-80% बच्चों में यही होता है. एंड दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीपी. नहीं जस्ट ही, द इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर पूछोगे कि वॉट आर द क्लिनिकल क्या फीचर्स होते हैं, तो डेफिनेटली जो बच्चों का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो कम होता है समय के हिसाब से. उसके गाइडलाइंस हैं वो, आप जब अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाते हो, जो आपके फिजिशियन ट्रीट कर रहा है उनके पास जाते हो, तो दे विल से आपका ये बच्चा मैच नहीं कर रहा है इससे, तो देर इज लाइकली चांसेस कि बच्चे के ब्रेन में इफेक्ट पड़ा हुआ है. तो उसके अनुसार फिर आप ट्रीटमेंट इंटरवीन करते हो. जस्ट सी, ये बच्चा बैठा हुआ है, दिस इज नॉर्मल बेबी, ये फ्लॉपी बेबी इज देयर बिकॉज ऑफ सीपी. जस्ट सी स्पास्टिक चाइल्ड, पूरा टोन इसका इंक्रीज किया हुआ है. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या करता है सीपी, हमारे पूरे बॉडी की मसल्स को अफेक्ट करता है. यस, नॉर्मल फ्लॉपी एंड दिस, ये जस्ट एक कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज है कि वेदर सीपी बेबी के कान पे पड़ता है, आंख पे पड़ता है, वॉट एवर, ऐसा नहीं, दैट इज नॉट डायरेक्ट इंपैक्ट. मैंने पहले भी कहा कि कॉज जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन के पार्ट को अफेक्ट करते हैं. दैट्स वाई वो बच्चे का कभी कभी आईज इन्वॉल्व हो जाती है, कभी कभी ईयर इन्वॉल्व होता है, मैनी थिंग्स आर इन्वॉल्व, दैट इज बिकॉज ऑफ इंजरी टू अदर ब्रेन पार्ट. जो और हमारे ब्रेन के पार्ट्स है उसमें इंजरी के नाते होता है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ सीपी. जस्ट सी, शी इज आस्किंग, एक बच्ची पूछ रही, हाउ मैनी इज 7 महीने से 4 महीने करो, कितना बचे का, तो कैसे बता रही, जस्ट सी 4. नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा, जस्ट लाइक दिस, बट बिकॉज ऑफ दिस टोन इसका इंक्रीज किया, दैट इज वाई शी इज सेइंग 4. बिकॉज ऑफ टोन उसको फीडिंग में डिफिकल्टीज होती है, लाइंग डाउन में डिफिकल्टी, सोने में दिक्कत होती है बच्चे को. और ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे डॉक्टर जैन ने मॉर्निंग में GMCS स्किल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन आप माइंड यू, इवन यू कैन चेंज, दिस इज एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, बट यू कैन मूव बिकॉज ऑफ आप अच्छे से अगर ट्रीटमेंट कराते हो, फिजियोथेरेपी कराते हो, जो भी इंटरवेंशन है करते हो, तो उससे यू कैन मूव फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, द रिवर्ड. 4 से बच्चा 5 में मूव कर सकता है, 5 से 4 में 4 से 3 में, बिकॉज ऑफ गुड इंटरवेंशन. जैसे आप अच्छे से चीजों को आप शुरू से सिस्टमेटिक वाइज अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, अपने ट्रीटिंग कंसल्टेंट से कराते हो, तो यू कैन इम्प्रूव योर चाइल्ड्स लाइफ. दीज आर डेवलपमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट, हेड होल्डिंग शुड बी बाई 3 months. नाक जो गर्दन संभालता है बच्चा, वो लगभग 3 महीने में आ जाना चाहिए. दैट वो फर्स्ट इंडिकेटर होता है बच्चे के डेवलपमेंट स्लो हो रहा है या डिले हो रहा है. हम लोग के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों, कि बच्चा 3 months, 4 months पे आ रहा है, बट ही इज नॉट एबल टू होल्ड द नेक, अपने नेक को वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एट दिस पॉइंट हमको इस समय पर, हम जैसे पीडियाट्रिशियन को बिल्कुल अपनी आंख खोल के दैट अपना जो प्रॉपर केयर है या प्रॉपर सेंटर पे उसको रेफर करके जो इंटरवेंशन है वो शुरू करा देना चाहिए. दीज आर डिफरेंट माइल्ड स्टोन. एक चीज मैंने बोला ना कि सीपी का बच्चा कैन बी जीनियस ऑल्सो. क्यों, बिकॉज जस्ट सी द एग्जाम्पल ऑफ दिव्या. दिव्या इज प्रोड्यूसर, एक्टर, और वो गाइड कर रही है आज ऋतिक रोशन को उसके दिस प्रोफेशन में. तो सीपी चाइल्ड एकदम नॉर्मल हो सकता है, एंड मतलब इट्स मोर देन नॉर्मल इंटेलिजेंस, कैन बी ब्रिलियंट, कैन बी जीनियस. और अगर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है तो दैट कैन बी कुछ मेंटल रिटार्डेशन का अंश उसमें हो सकता है. डायग्नोसिस, देयर आर डिफरेंट मेथड्स. मैंने जैसे बताया कि कैसे, वार्निंग साइन क्या है, अगर बच्चा जो है 3 महीने पर रो नहीं रहा है, स्माइल जो करता वो नहीं कर रहा है, नेक होल्ड नहीं कर रहा है,
then it is very important. Or there are different. Just see, agar management part pe aayenge, toh main nahi kahunga ki there is one management. It is a disease. Is rog mein sabse important hai, it needs multiple this specialist. Jaise ek pediatrician ne aapko diagnose kiya ki yes, aapke bacche ka vikas slow ho raha hai, to aap please ek proper care, ek physiotherapist ke paas jaiye. Theek hai? Okay. Phir aaya, bacche ko dore aa rahe hain, jhatke aa rahe hain, pediatrician ne theek kiya, but problem badhti hai, to ek proper neurologist ke paas jaiye. Pediatric aajkal baal rog jo hote hain wo neurologist alag se specialist hote hain, unke paas jaiye. Phir kya hota hai, agar bacche ko eye problem hai, go to the eye surgeon, aankh ke doctor ke paas. Ye sare protocol bane hain. Agar bachcha hum log ke paas isme koi bhi rog aata, to hum kehte hain please go for physiotherapy, please go for eye checkups, please go for this ear checkups. To hum usko regularly advise karte hain ki aap is par jao. So it's not ki single component. Lekin important cheez ye hai ki the most important component, jo sabse mahatvapurna component hai, that is your physiotherapy. What Dr. Jain, what this Trishla Foundation, ye pura jo team kar rahi hai, that is the main crux of treatment. Other is supportive treatment. Agar aap physiotherapy delay karte ho, intervention matlab proper time par intervene nahi karte, proper samay par aap is par apna dhyan aakarshit nahi karte ho, then you are going to lose. Bahut cheeze aap kho jaoge. So it's better ki aap us point of time pe proper intervene kare. So main head is physiotherapy, jo Dr. Jain and unki puri team karti hai. That is very important. Ek bachcha isme keh raha hai, ye na CP cannot be cured. Subah se Dr. Jain ne bataya ki CP ko aap cure nahi kar sakte, but aap uski life ko improve kar sakte ho. Second important is educate the parents. Ye acha platform hai, hum yahan par jitne parents aaye, I think hum log try kar rahe hain kitna unko educate kar sake, kitne CP ke bare mein jo basics hai we can tell them. Ye badi important issue hai. Number 3, ek bachcha paint kar raha, just see CP child is painting, kya likh raha hai ki aap mujhe meri skill develop karo. Meri skill matlab ki mera skill jo mere haath mein, aap usko mujhe support ki aavashyakta nahi hai aapse, mujhe aap jo meri skills hai, jo andar ki kshamta hai, aap please usko develop karo. Bahut cheeze hain physiotherapy ke Dr. Jain ne discuss kiya. Kuch cheeze badi important hai, like speech therapy, occupational therapy, these are important. Family education mein sabse important cheez hai, जब तक आप फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करोगे, उनके गोल को नहीं बताओगे, पता चला बच्चा मेरे पास है, मैंने कहा यार आप ईएनटी को दिखा लो, आई को दिखा लो, फिजियोथेरेपी, एक साथ सब बता दोगे, तो पेरेंट्स क्या, हम लोग भी कंफ्यूज जाएंगे. तो डू इन द सिस्टमैटिक वे, मतलब हम लोग कहते हैं कि सब सिस्टमैटिक. आपसे कोई कहे डॉक्टर साहब ने कहा ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, कंफ्यूज. तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए पीडियाट्रिशियन, और आपकी जिम्मेदारी है कि हर स्टेप्स को प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में फॉलो करिए. ज्यादा ओवरलोडिंग बच्चे पे करो, ये भी करो, वो भी करो, तो ही और शी इज गोइंग टू नर्वस. तो वो हमारा एम नहीं है. गिव मोरल सपोर्ट एंड देन इंटरवीन. तो ये दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने बार बार कहा, फैमिली एजुकेशन, हैंडलिंग एंड केयर, प्रॉपर फंक्शनल स्किल, जो डॉक्टर साहब ने बताया, सारे स्किल्स बताया, होम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने कहा ना कि दीज आर, अगर आप एक थेरेपी से ज्यादा इन्वॉल्व करते हो डेवलपमेंट प्रोसेस में, तो द बेबी इज गोइंग टू सबड्यू, वो इन्वॉल्व नहीं होगा. और सारी चीजों में, घर की चीजों में इसको इन्वॉल्व करो, सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो, और मदर को, मदर नीड्स मोर, मदर अपने लैप में, छोटा बच्चा है, 5 months, 6 months, 8 months, 10 months, लैप में जितना ज्यादा लैप में रखती है, आई कोऑर्डिनेट बच्चा करता है मदर से, ये देखा गया है कि उस बच्चे का डेवलपमेंट इज वेरी गुड. अगर आप रखकर केयर कर रहे हो, मदर इज टेकिंग केयर, बच्चे का केयर अपने लैप में रखती है, 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, थोड़ा लैप से कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो करती है, दैट उसके जो ब्रेन का विकास होता है, दैट इज वेरी गुड. Already discussed, different drugs are there, वो डॉक्टर जैन ने बताया ही है. और मेडिसिन का बहुत, स्पीच थेरेपी वेरी इंपॉर्टेंट. पता चला बच्चा इज गुड, कभी कभी आते हैं सीपी के बच्चे, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो ठीक ठाक है बट बोल नहीं रहा है, तो इस जगह पे इंटरवीन. नाउ
बहुत ढेर सारे आई थिंक स्पीच थेरेपिस्ट हैं, हर जगह पे हैं, और बहुत सारे ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, वो इसी पे काम करते हैं। तो स्पीच थेरेपिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट सभी से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। टेक्निक ऑफ फीडिंग, बच्चों को खिलाओगे बच्चों निकाल के फेंक देता है, तो यू हैव टू डेवलप द टेक्निक। जैसे डेंटिस्ट डॉक्टर साहब थे ना, उन्होंने डिस्कस किया हाउ टू क्लीन द माउथ, टेक्निक ऑफ फीडिंग। कभी भी बच्चे को, सीपी के बच्चे को ना, इवन नॉर्मल बच्चे को कभी भी लेटा के फीड नहीं कराते, ऑलवेज लाइक दिस। क्यों? क्योंकि बच्चा एस्पिरेट कर लेगा। अगर आप ऐसे फीड कराओगे तो बच्चा इज गोइंग टू एस्पिरेट, तो वो फीड नहीं कराना। हमेशा क्या करना है, हेड एंड पोजिशन, सर को ऊपर रख के फीड कराना है। आई की प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीपी के बच्चों में आई की प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंख की दिक्कत बहुत कॉमन है। अगर सीपी का बच्चा है तो हम लोग रेगुलर एडवाइस करते हैं, प्लीज गो, आप आंख के डॉक्टर से कंसल्ट करो, गो फॉर रूटीन आई चेकअप्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप बच्चा ठीक कर दिए, एवरीथिंग इज गुड, बट योर चाइल्ड इज नॉट एबल टू सी, मतलब बच्चा आपका देख नहीं पा रहा है, बच्चा इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो बड़ा इट्स वेरी पेनफुल, बहुत पेन होता है पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को, इवन ट्रीटिंग डॉक्टर्स को बड़ा पेन होता है। तो इट्स टाइमली आईज के डॉक्टर को दिखाना है, आंख के डॉक्टर से इंटरवीन करना है। बच्चों में, छोटे बच्चों में कान का इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, इस तरह के बच्चों में, क्योंकि जो हम लोग अपना सलाइवा, मतलब जो थूक होता घोट लेते हैं, बट ये बच्चे ले नहीं पाते, ड्रूल करते हैं, तो कभी कभी ये ईयर में जाता है, तो चांसेस ऑफ आई ईयर इन्फेक्शन, कान के इन्फेक्शन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, फीडिंग इज वेरी, जैसे मैंने बताया, कभी भी फीड कराना है तो सर को ऊपर करके फीड कराना है। इस तरह के बच्चों में एक कॉमन प्रॉब्लम आप भी फेस करते होंगे, बिकॉज ये बच्चे चूंकि इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो कभी कभी स्टूल, यूरिन, जो का जो कंट्रोल होना चाहिए वो उनमें नहीं आ पाता, टाइमली नहीं आ पाता, तो प्रायर जो हमेशा जो है नीचे के पोर्शन में इन्फेक्शन कुछ ना कुछ, खासकर फीमेल बच्चियों में यूटीआई, पेशाब का बहुत कॉमन इन्फेक्शन, पेशाब की नली पर इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस चीज़ों को बड़ा केयर करना है। अगर आप डायपर यूज करते हो, प्लीज़ चेंज इट फ्रिक्वेंटली, मतलब आप इसको फ्रिक्वेंटली चेंज करो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और अगर यूटीआई है, प्लीज़ प्रॉपर केयर करके प्रॉपर फिजी अपने डॉक्टर से मिलो, क्योंकि यूटीआई बच्चिया में हो जाता है तो इट इज़ वेरी डेंजरस, इट इज गोइंग टू डैमेज योर किडनी, बच्चे की किडनी को असर कर सकता है, खासकर छोटी बच्चियों में, 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स, तो इसको आप प्लीज बचाओ। डेंटिस्ट्री में टच टॉपिक नहीं करूंगा, बिकॉज डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा डिस्कशन किया डेंटल कैरीज। जैसे सभी ने बताया कि 70% सीपी बच्चे का इंटेलिजेंस नॉर्मल होता है, दैट इज नॉर्मल, द इंटेलिजेंस इज नॉर्मल, 70% बच्चों में नॉर्मल होता है। इसका मतलब इस चीज को हमको यूटिलाइज करना चाहिए, अगर इट इज नॉर्मल तो बच्चे को हम ऐसा बनाएं कि बच्चा कम से कम अपनी रूटीन एक्टिविटीज, अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज कुछ ना कुछ वो कर सके। इसको हमको यूटिलाइज करना, इस फैक्टर को हमको यूटिलाइज करना चाहिए। स्पीच डिफिकल्टीज होती है, उसको हमने बताया, यू हैव टू गो टू स्पीच थेरेपिस्ट, तो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, उनके पास जाके कंसल्टेशन करना चाहिए। सीजर्स, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सोनकर ने बताया, ड्रूलिंग, फीडिंग डिफिकल्टीज होती है, सांस में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बच्चा एस्पिरेट कर लेगा, सांस की नली में खींच सकता है, कुछ खिलाया सांस में, तो धीरे धीरे स्लो बाय स्लो सर को ऊपर रख के फीड कराओ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सुबह से सारे, लगभग सारे जो वक्ता लोग थे बोले कि नेवर कंपेयर, इसके बच्चे को उससे कंपेयर नहीं करो, उसको उससे कंपेयर नहीं, कभी नहीं कंपेयर करो, बिकॉज जो मैंने, जो इलाज का तरीका है दैट इज सबके लिए अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जो रोग का असर ब्रेन पे गया है वो सब बच्चों में अलग अलग है, तो इलाज का तरीका हर डॉक्टर, हर स्टेप पर अलग अलग है, तो कभी कंपेयर नहीं करो, नेवर कंपेयर, जो आपके लिए बेस्ट होगा, डॉक्टर जैन एंड हिज टीम और अदर जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है, दे आर गोइंग टू डू, वो अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज डोंट इंटरवीन की कंपेयर करा, जो करने वाला एक हम लोग की मानसिक वो है ना, हम लोग जो करते हैं कंपेयर, दैट शुड नॉट बी डन, उसको नहीं करना चाहिए। हर बच्चे का अपना इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता है, दैट वी शुड फॉलो, सभी बच्चे का प्रोग्राम अलग अलग होता है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए। ऑक्यूपेशनल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे को अल्टीमेटली क्या करना है, हमको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है। हमने बच्चे को ठीक कर दिया, फिजियोथेरेपी कर दी, बच्चे की स्पीच थेरेपी कर दी, सब कुछ ठीक कर दिया,
बट अगर बच्चा प्रॉपर अपनी जो स्किल है अगर वो बच्चा डेवलप नहीं कर पा रहा, लाइक राइटिंग, साइकिलिंग, वॉट एवर उसका टैलेंट जो भी है, प्लीज उसमें उसको इन्हांस करो, सपोर्ट करो, जैसे वो बच्चा एक नॉर्मल हम लोग की तरह वेलबींग जैसे हम लोग हैं वैसे कम से कम अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो करो। और आप प्लीज नेट पर जाओ, आप टाइप करो सेलिब्रिटीज ऑफ सीपी, सीपी विथ सेलिब्रिटीज, आपको थाउजेंड्स ऑफ आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अगर आप पढ़ेंगे उसको तो इट विल बी मोर मोटिवेशनल, इतना अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, क्वाड्रीप्लेजिक सीपी, व्हील चेयर पे सीपी बच्चा, और दे आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब, दे आर डूइंग एक्सेलेंट, वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि हम लोग को, हालांकि हम लोग के पार्ट से कहना इज वेरी सिंपल कि ये कर लीजिए, ये कर लो आप, ये कर लो, बट एज ए पेरेंट्स इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है मैनेज करना। क्यों? क्योंकि मेरे घर में सीपी है इसलिए आई नो, मैं ट्रीटिंग पीडियाट्रिशियन हूँ, मेरे घर में सीपी बच्चा है इसलिए आई नो, तो आई यूज टू, मैं सारा केयर करता हूँ, मैं समझता हूँ क्या प्लेपिन होता है। तो इट इज वेरी इजी टू से, कहना आसान है, बट अगर करने की अंदर से हम लोग एक ठान लेंगे ये चीज करना है तो हम लोग आई थिंक हम अपने बच्चे को प्रॉपर विकास उसका बच्चे का कर सकते हैं, दोनों शारीरिक विकास भी करना है और मानसिक विकास भी करना है। ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज हैं, मैंने जैसे बताया कि प्रोग्नोसिस मतलब कितना सुधार हो सकता है। लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ये तो कर लेगा, ये तो कर लेगा, बट हम कहते हैं कि नहीं, हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग है, हर बच्चे का रोग अलग अलग है, तो डिपेंड करता है कितने स्टेज पर आपने, किस समय आपने जो चीजें होती हैं फिजिकल थेरेपी या जो चीजें होती है जिस समय पर आपने अच्छे से कराया है, तो योर चाइल्ड इज गोइंग टू डेवलप ए गुड लाइफ। तो कई चीजों पर मल्टी फैक्टर है, टाइमली इंटरवेंशन, समय पर आपने क्या किया, समय पर इंटरवीन किया, समय पर ट्रीटमेंट लिया, प्रॉपर गाइडेंस फॉलो किया, तो आपका जो बच्चा होगा दैट विल ग्रो लाइक एनीथिंग, विल ग्रो लाइक नॉर्मल चाइल्ड। आई थिंक थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी को।